हेलो एवरीवन। तो चलिए आज बात करते हैं पाइथन का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो स्वागत है आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस में। और चलिए आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूँ एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या रहता है। तो सबसे पहले हम अपने वीएस कोड में चलते हैं और एक नई पाइथन की फाइल बना लेते हैं। तो इसका नाम दे देता हूँ एग्जीक्यूशन पाई। तो आपने देखा होगा मैंने डॉट पाई एंड में दिया है। डॉट पाई एक पाइथन की फाइल को रिप्रेजेंट करता है, इससे पता लगता है कि ये एक पाइथन की फाइल है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने 5 लाइन प्रिंट करी है। तो जैसे हम एक बुक को रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, एक्सैक्टली सेम तरीके से पाइथन का इंटरप्रेटर भी एक कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये लाइन है 1 2 3 4 5, तो एक्सैक्टली इसी तरीके में कोड का एग्जीक्यूशन होगा। तो हम ये वेरीफाई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं रन का आइकन है, इसको मैं प्रेस करता हूं और ये देखिए टर्मिनल पे एग्जीक्यूट हो गया है कोड। और आप देख सकते हैं पिरामिड बन गया है, बहुत ही सुंदर सा पिरामिड लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो तरीका यहाँ पे था कोड का लिखने का, एग्जैक्टली वही तरीके से प्रिंट हुआ है। ये मैं आपको प्रूफ करने के लिए ये एक काम करते हैं, हम ये वाली लाइन हटा के हम टॉप पे डाल देते हैं, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको एग्जीक्यूशन का फ्लो ये ही रहता है। कर दिया मैंने, वापस एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एज यू कैन सी इस बार पहले ये वाले जो 5 स्टार्स हैं हमारे ये प्रिंट हुए हैं, और उसके बाद हमारा जो रेगुलर पिरामिड जो नीचे है वो प्रिंट हुआ है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज लग रही है, बट ये बहुत जरूरी है कि हमें समझ में आए कि कोड का एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या रहता है। क्योंकि जब हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत बार एरर हो जाते हैं, हम कुछ चीज डिफाइन नहीं करते, बस उसको कॉल पहले कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।